मथुरा भगवान श्री कृष्ण की धरती मानी जाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया था। उसी जगह के पास आज श्री कृष्ण की प्रिय गाय भूख प्यास से असमय काल के गाल में समा रही हैं। गौशाला में गायों की ठीक से देखभाल नहीं की जा रही, जिसके कारण आए दिन गायों की मौत हो रही है। ऐसा ही मामला बलदेव विकासखंड क्षेत्र के गांव बरोली से हमारे सामने आया है। यहां गायों की सुरक्षा के लिए बनाई गई गौशाला उन्हीं के लिए काल साबित हो रही है। ग्रामीणों का दावा है कि अब तक भूख प्यास से अस्थायी गौशाला में 2 से 3 दर्जन गायों की असमय मौत हो चुकी है। ना तो ग्राम प्रधान और ना ही सरकारी तंत्र गायों के चारे पानी की कोई व्यवस्था कर पा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बीडीओ से बात करने पर वह कहते हैं कि ग्राम प्रधान गौशाला में चारे पानी का इंतजाम करेगा। वहीं ग्राम प्रधान व सचिव ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। नतीजन करीब 40 दिनों से बरौली के ग्रामीण ही जैसे तैसे गायों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन वह पर्याप्त नहीं हो पा रहा है और चारे पानी के अभाव में प्रतिदिन गायें दम तोड़ रही हैं। यहां तक कि गौशाला में मरी हुई गायों के अंतिम संस्कार की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें कुत्ते व चील कौवे खा रहे हैं। इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत हो रही हैं। ग्रामीणों ने गौशाला पर जमकर नारेबाजी की और प्रधान से गायों के चारे पानी की व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन ग्राम प्रधान व्यवस्था करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अजीत सिंह। किस क्या है, आप गांव के प्रधान है? प्रधान तो ना है, तो चलो प्रधान मान लो तो कछु मान लियो, पर बात ये है अस्थाई गौशाला खोली कोई व्यवस्था ना है रही, और प्रधान अधिकारी रोजाना कह जाता मैं चारों ला रहा हूँ। प्रधान कौन है यहाँ का? हंसो। चारों कोई ला रहा ना है, रात में 7 बल्ली 9 बजे वसूल आए हम, रात में ला के खुद लाए हम दवाई के 7 बल्ली वसूल आ रहे हो रात में ला के, और वो तो हाथ खड़े करते हैं वो बना करवाते करो तो बनाए तो कई गौशाला खुलवाई भाई तुमने, और बीडीओ साहब पे फोन करो वो जो कह रहे प्रधान करेगी व्यवस्था। प्रधान का व्यवस्था कर रही? कोई ना व्यवस्था कर रहा, गाम भाई कर रहे व्यवस्था। अब तक कितनी गैया मर गई है? अब तक गैया मर गई होंगी कम से कम 20 गैया तो मर गई होंगी अब तक। अभी तो 2 तो पड़ी है जम टंकी में, 20 तो मर गई होंगी अब तक, 20 गैया तो मरी गई अब तक। कितना टाइम हो गया इन गैया हुए बंद हुए? 40 लगभग है गए, हाँ 31 दिन तो मानी लो 30 दिन हो गए गैया। तो इनका खाना पीना? खाना पीना गाम भाई ने कर रहा, सहयोग होते संबंध। प्रधान कोई हेल्प नहीं कर रहा है? कोई हेल्प ना कर रहा कोई। अच्छा आपने बात की प्रधान से? कौन आप लोगों ने? हम तो अब कर रहे हैं बात, वालू करी बात हमने। क्या क्या बोल रहा है? क्योंकि अब काम में कहाँ देगा व्यवस्था करूँ, काम तो कहाँ दे पैसा लाऊं मैं बताओ? सरकार दे रही ना, कोई दे रहा ना, मैं कहाँ दे व्यवस्था करूँ? खेत बेच के लाऊंगी। हाँ और कहाँ करे बताओ? गाम भाई तो सहयोग कर रहे हैं ना, तो खोलेंगे देखेंगे क्या तो व्यवस्था होगी, नहीं खोल देंगे बस। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। कहाँ के रहने वाले? बरौली का। क्या मसला है, नारेबाजी कर रहे हैं? मसला ये है कि जहाँ गौशाला बनाई है कहूँ बंद है, इसमें न तो इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था है, न कुछ पीने की, न कोई उपचार की। रोज दो चार गाय खत्म हो रही है, तो किसी अब भी इसमें पड़ी हुई है गाय जिसको कुत्ता खा रहे हैं, न तो उनके गाड़ने की व्यवस्था है, न कुछ हो पा रहा है, न कोई प्रशासन कर रहा है, न कोई प्रधान कर रहा है। किसी के पास फोन करो, अभी सेक्रेटरी के पास फोन किया, मेरे पे कोई व्यवस्था नहीं। प्रधान से कहो 4 दिन प्रधान नहीं आ रहा है यहाँ। सेक्रेटरी का नाम क्या है? सेक्रेटरी का नाम मुझे पक्का पता नहीं, जितेंद्र है शायद। जितेंद्र है, क्या बोल देता सेक्रेटरी? अभी मैंने फोन किया करीबन 1/2 घंटे पहले, जो कह रहे मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, अपने प्रधान से बात करो। मैंने तुम अधिकारी हो, तुम कुछ करो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। अब यह सबसे ज्यादा समस्या किस चीज को लेकर आ रही है? समस्या से न तो उनके खाने की व्यवस्था, चारा नहीं है, न पानी की है, कुछ नहीं है, न उपचार की है। अभी आप देख लो उसमें अंदर मड़े हुए पड़े हैं, और कुत्ता भी खा रहे हैं उनको, और गड़े हुए हैं करीबन, अब जो करीबन महीना भर हो गया, महीना सवा महीना, जब से करीब 30-35 गाय इसमें खत्म हो चुकी है। इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई सरकारी व्यवस्था है, न कोई वैसी व्यवस्था है। अब तक जितनी भी व्यवस्था किया गाँव वालों ने की है, और गाँव वाले खवा रहे हैं इनको। अब गांव वाले कब तक व्यवस्था करेंगे? गौशाला नहीं बनी है? नहीं, कोई गौशाला नहीं है, सब नष्ट हो रही है, गौशाला की निर्मित हो रहे हैं, सब चीज व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।